आईपीएल में रविवार को सुपर संडे के पहले मुकाबले में जहां किंग्स इलेवन पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया, वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट से मात दी। कोलकाता की हार से सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। आईपीएल सीजन 12 के सभी ग्रुप स्टेज के मैच खेले जा चुके हैं और अब प्लेऑफ की स्थिति भी साफ हो गई है। चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के बाद अब हैदराबाद भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। रविवार को आईपीएल सुपर संडे के पहले मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मैच में टॉस पंजाब ने जीता और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए और पंजाब को जीत के लिए 171 रन का टारगेट दिया। चेन्नई से मिले 171 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब ने 18 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। सुपर संडे के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट से मात दे दी। मैच में टॉस मुंबई ने जीता और कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर्स में 60 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए और मुंबई को 134 रन का टारगेट दिया। कोलकाता से मिले 134 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई ने 16.1 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया। कोलकाता की हार से सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। कोलकाता और हैदराबाद दोनों के 14-14 मैच में 12-12 अंक थे, लेकिन नेट रन रेट ज्यादा होने के चलते हैदराबाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही। मंगलवार को आईपीएल के पहले क्वालिफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।